हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीआई यूट्यूब चैनल। आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ दो लेटेस्ट न्यूज जो आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। फर्स्ट तो है, जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो कोई भी हज करेगा विदाउट वैलिड परमिट के तो उसे सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और दूसरा है न्यूज, जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट ने कहा है कि जो स्प्लिट फीस के बारे में रिसेंटली अनाउंस था कि पार्शली आपका इकामा रिन्यू कर सकते हैं, 3 months, 6 months, 9 months एंड 12 months, ये पार्शली आप अपना इकामा रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लीकेबल डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर यानी कि हाउस ड्राइवर हो गया या जो मजरे पे काम करता है, जो डोमेस्टिक वर्कर जिसकी फी इकामा फीस सिर्फ 650 रियाल रहती है, वो लोग स्प्लिट में इकामा रिन्यू नहीं कर सकते। वो लोगों का इकामा अगर रिन्यू करना है तो उनका एनुअली ही करना पड़ेगा, एनुअली या 2 साल का 3 साल का, ऐसा ईयरली करना पड़ेगा। स्प्लिट का उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये जवाब की तरफ से क्लियरली कहा गया है। और खासकर स्पेशली हज के लिए स्ट्रिक्टली एक वार्निंग भी है कि जो कोई भी हज के लिए जाएगा अगर वो पकड़ा गया बगैर परमिट के तो उसे 10 साल के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से, और वो वापस सऊदी अरब नहीं आ सकेगा 10 साल तक, ये जनरल डायरेक्टर पासपोर्ट ने कहा है। और दूसरा है इकामा रिन्यूअल का, जो पार्शियली नहीं है, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ अप्लीकेबल है तो सिर्फ कंपनीज जिनकी इकामा रिन्यूअल फीस मोर देन 10,000 या 9,000 रियाल समथिंग रहती है। ये डोमेस्टिक, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डोमेस्टिक वर्कर के लिए ये स्प्लिटिंग फीस अप्लीकेबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। वो लोग रिन्यू अगर इकामा करना है तो एनुअली या 2 साल में 3 साल में एक बार वही इकामा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराना बोले मेरे जे यूट्यूब चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।